अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे SIS 204 साइबर लॉ के असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जिसकी डेडलाइन आपको 18/5/23 और टोटल मार्क्स आपको 15 दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपने इसके ऑब्जेक्टिव देख लेने। ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ें, एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल और दूसरा साइबर क्राइम और उसकी जो मेन खसूसियत फीचर वगैरह हैं, ये दो मेन टॉपिक्स हैं। इंस्ट्रक्शन में आपने डॉक्स फाइल, डॉक्यूमेंट जो भी फाइल होगी, ठीक है, वर्ड की फाइल, और आपने अपनी आईडी के नाम से सेव करके अपलोड करनी, ईमेल वगैरह नहीं करनी। बाकी जो भी रूल्स वूल हैं ये वो आप सब इनको रीड आउट केयरफुली कर लें। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन 1 है, यू मस्ट विजिट ईच ऑफ वेबसाइट बिलो एंड प्लेस इनटू द फॉर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। आपने ये नीचे वेबसाइट्स हैं उनको विज़िट करना है और आगे उनके आपने बिजनेस मॉडल लिखने, ई कॉमर्स जो आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, पहला है TRAC ट्रैक डी। ठीक है, इसको आप अगर विज़िट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट आएगी जिसमें यहाँ पे ऊपर भी मेंशन है B2B। ठीक है, ये बिजनेस से बिजनेस मतलब मेन चीज़ें हैं, ये बिज़नेस है मेन लोगों का, दूसरे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो इनको ले रहे हैं, बिज़नेस से बिज़नेस कॉम हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो ये यहाँ पे ऊपर भी मेंशन आ रहा है। दूसरा है Airbnb.com। ठीक है, इसको मैंने विज़िट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आई है। यहाँ पे ये कह रहा है मतलब रूम वगैरह ना ये सोने के लिए दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, कस्टमर टू कस्टमर, मतलब एक कस्टमर ने एक रूम लिया हुआ है। ठीक है, या जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हो रहे हैं ना, वो कस्टमर टू कस्टमर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह ये एक बंदा रूम दे रहा है और दूसरा बंदा ले रहा है। ठीक है, ये भी कस्टमर। नेक्स्ट है हमारे पास NIKE.com। इसको अगर हम विज़िट करें थोड़ा सा जाके तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने विज़िट किया, यहाँ पे शूज़ ना सेल हो रहे हैं, मतलब एक बिज़नेस कोई बंदा चला रहा है और वहाँ पे कस्टमर जाके इस शूज़ को ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये बिज़नेस टू कस्टमर है, बिज़नेस उन लोगों ने बनाया हुआ है और कस्टमर को वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, B2C। आगे Apple.com, तो आपको पता है एप्पल एक कंपनी है, आईफोन ये वो जो सेल कर रही है, और ले कौन रहा है, कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। आगे OLX.com, ये आपको पता होना चाहिए कस्टमर टू कस्टमर है, क्यों, पहले मैं एप्पल को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्पल कंपनी है, ये आईफोन वगैरह आई वॉचेस ये वो सेल कर रही है कस्टमर को। आगे OLX पे काफ़ी लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर हो रहा है, काफ़ी लोग अपनी एड चला रहे हैं और दूसरे लोग उसको विज़िट कर से बाई कर रहे हैं। ठीक है, OLX का ज़ाती कारोबार नहीं है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो OLX क्या होगी, C2C। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानेब, तो इसमें देखें एक सिनेरियो दिया गया है, तो इसके मुताबिक आपने आंसर देना है। Zekrom इज़ अ सोशल मीडिया यूज़र, नोटिस डैट स्ट्रेंजर हैज़ बीन कमेंटिंग ऑन पोस्ट एंड सेंडिंग हिम प्राइवेट मैसेज। उसको वो एक कस्टमर है सोशल मीडिया का, उसको एक बंदा ना अननोन मैसेज और पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, वो उसको जानता ही नहीं है। ठीक है, एट फर्स्ट कमेंट्स आर हरासमेंट बट दे ग्रेजुअली बिकम मोर पर्सनल एंड थ्रेटनिंग। पहले तो जस्ट कमेंट्स होते हैं हार्मफुल और उसके बाद वो उसको धमकियाँ वगैरह देना लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है वो उसके घर की मालूमात ये वो स्टील कर लेता है, उसको ना मज़ीद उसकी जो खौफ होता है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके लिए अब इसको समझें पहले और उसके बाद इनका आंसर दें केयरफुली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, मेंशन द साइबर क्राइम टाइप्स विच आर ऑकरिंग दिस सिनेरियो। ये सिनेरियो किस टाइप में आ रहा है, दिस सिनेरियो अकर्स इन साइबर क्राइम टाइप कॉल्ड ऑनलाइन थ्रेट्स, स्टॉकिंग या साइबर बुलियंग। ये तीन एक ही सेम टाइप के हैं, ये आप तीनों लिख सकते हैं। ठीक है,
सेकंड में मेंशन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की कौन सी कैटेगरी है। मेन थ्री टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट। तो देखें ये इंडिविजुअल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बंदे को धमकी जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी वो कुछ नहीं लेने जा रहा, बस वो धमकी दे रहा है, ठीक है। मेन आंसर हमारा क्या होगा, पर्सनल या इंडिविजुअल टाइप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू पॉसिबल प्रिवेंशन मेजर फॉर सच टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इससे बचने के लिए हमें दो इकदाम कौन से करने चाहिए। ब्लॉक दिस टाइप ऑफ यूज़र ऑन सोशल मीडिया, ये पहला मैंने लिखा है। डोंट ऐड अननोन पर्सन एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे, ये काम ना करें। पुट दिस टाइप ऑफ पर्सन इनटू स्पैम, रिप्लाई भी ना करें। और फोर्थ है रिपोर्ट साइबर बुलिंग, ठीक है, इसको रिपोर्ट कर दें। तो ये था हमारा मेन सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।